सिंगर कनिका कपूर को लेकर बुरी खबर सामने आई है। कई दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में रह रही कनिका कपूर की हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कनिका कपूर का चौथा टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। चौथी बार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कनिका कपूर के परिवार वाले काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कनिका की सेहत को लेकर पीजीआई के डॉक्टरों से चिंता जाहिर की है। पीजीआई में कनिका कपूर की देखभाल के लिए हर समय एक नर्स को लगाया गया है। हर चार चार घंटों पर नर्सों की शिफ्ट बदलती है, यानी एक दिन में 6 नर्सें ड्यूटी कर रही हैं। नर्सें ही उन्हें दवा खिलाती हैं और अन्य चीजों का ध्यान रखती हैं। कनिका की डाइट और सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। कनिका का इलाज अभी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीजीआई लखनऊ में हो रहा है। इससे पहले कनिका कपूर के 3 कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आए थे। बता दें कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से भारत लौटी थी। उसके बाद कनिका ने कई पार्टियों और समारोह में हिस्सा लिया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। वायरस के लक्षण सामने आने के बाद कनिका को 20 मार्च को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत की बात यह रही कि कनिका ने जिन भी लोगों के साथ पार्टी में हिस्सा लिया था उनका टेस्ट नेगेटिव पाया गया। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही अन्य खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ इंडिया टर्निंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।